हेलो फ्रेंड्स, टुडे वील डिस्कस प्राइमिंग और ट्रिगर्स विच लीड्स टू डायबिटिक कंडीशन। देखिए, क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, ये इट विल लीड टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्टिसोल। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है एंड दिस लीड्स टू हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका जो है वो बढ़ता है। अब अगर हमें इस तरह के ट्रिगर से बचना है तो उसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, तो वी हैव टू अडॉप्ट सर्टन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। किस तरह के टेक्निक्स हो सकती है, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी कि पहले आप अपने मसल्स को टेंस करते हो फिर उसको रिलैक्स करते हो, तो ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो हमें करनी चाहिए। फिर एक माइंडफुलनेस और एक मेडिटेशन जो है, इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलर अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये हमारी स्ट्रेस को कम करता है और हमारी इमोशनल जो वेल बीइंग है उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा, आप जो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, जो लोग स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को डील करने में एक्सपर्ट हो, उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हो, उनसे थेरेपी ले सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है इसमें काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, तो ये आप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट भी एक रीज़न होता है इसका, स्ट्रेस का, क्रोनिक स्ट्रेस का। तो अगर अपनी जो एक्टिविटीज़ है दिन भर की, अगर आप उसको प्रॉपरली टाइमली मैनेज करते हो, तो आपकी वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक ट्रिगर मैकेनिज्म का काम करता है। डिप्रेशन से भी आपका पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस हो जाती हैं, जैसे आप इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता आपका, अनहेल्दी ईटिंग आपकी होती है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। डिप्रेशन के कारण जो है आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस भी अल्टर होती है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, जो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी लिंक्ड रहती हैं। अब इनको दूर कैसे किया जाए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी अगर रेगुलरली करते हो, अगर आपकी बॉडी को मूव करते रहते हो, इससे आपका मूड चेंज होता है और जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं। सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी में। आप स्ट्रांग सोशल कनेक्शंस रखिए अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और
अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, यू सीक सपोर्ट फ्रॉम देम। प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए थ्रू थेरेपी, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन जो इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है वो भी आप ले सकते हो। तीसरा जो चीज़ है इसमें, इस मेंटल और इमोशनल ट्रिगर्स में तीसरी चीज़ है, वो है नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स। अब देखिए ह्यूमन बीइंग है तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्रोनिक एंगर है। एंगर एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर क्रोनिक एंगर हो जाए, क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन हो जाए, या कुछ दूसरे नेगेटिव इमोशंस अगर क्रोनिकली आप में अगर है, लगातार आप उनको आप रिपीट कर रहे हो, तो इट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। और ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स जो हैं, ये आपके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण आपकी स्लीप जो है डिप्राइव हो जाती है, और ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटीज़। अब प्रिवेंशन कैसे किया जाए इसका, इसका ये है कि इमोशनल रेगुलेशंस आपको करना जरूरी है। आपको यू हैव टू लर्न टेक्निक्स विच आर रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड रेगुलेट इमोशंस, सच एज माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ लिखिए, पढ़िए, जर्नलिंग करिए, हेल्दी स्लीप हाइजीन आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको एडुकेटर क्वालिटी स्लीप लेना पड़ेगा, रेगुलर स्लीप शेड्यूल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और आपने चारों तरफ एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट, एक रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, स्लीप के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो ये दिस विल हेल्प काउंटर नेगेटिव इमोशंस। मेंटल और इमोशनल ट्रिगर्स के बाद हमारे पास आते स्पिरिचुअल ट्रिगर्स, तो इसमें ये होता है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअल वेल बीइंग। होता क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअली आपकी जो चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअली फुलफिल नहीं हो रही है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, या पर्पस आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो दिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और ये इनडायरेक्टली हमारे डायबिटीज़ को भी ये इफेक्ट करता है। स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस कैन लीड टू अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। आप जो लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको कोप करने में आप सक्षम नहीं होते हो, जैसे आप ओवर ईटिंग करने लगते हो, जहाँ किसी सब्सटेंस का ज़्यादा अब्यूज़ करते हो, जैसे ड्रग अब्यूज़ वगैरह हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे प्रेयर है, मेडिटेशन है, या अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज, उनमें आप एंगेज कर सकते हो अपने आप को। पर्पज़ एंड मीनिंग, इसमें यू हैव टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ पर्पज़ एंड मीनिंग इन लाइफ। इसमें आप वॉलंटरी सर्विसेज कर सकते हो, कुछ हॉबीज अपनी क्रिएट कर सकते हो, जैसे सिंगिंग है, गार्डनिंग है, या सोशल सर्विस है, या अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ अच्छा काम कर सकते हो, कुछ राइटिंग कर सकते हो, कुछ सेमिनार्स कर सकते हो, तो जो भी पर्पज़ एंड मीनिंग लाइफ उसके ऊपर, उसको आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा। और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना पड़ेगा, सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल लीडर्स और कम्युनिटीज। स्पिरिचुअल में ही आपका एक और चीज़ या सेकंड चीज़ वो है, यू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है कि हम नेचर से बिल्कुल कट से गए हैं, और नेचर से कटने का ये होता है कि हम, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। और एक्सपोजर्स टू, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं, या किसी पार्क में जाएं, या पेड़ पौधों के साथ रहें, या किसी पार्क में चले जाएं, तो उससे आपका नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ने से क्या होता है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ओवरऑल वेलबींग आपकी जो है वो इम्प्रूव होती है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, नेचर एक्सपोजर, अपने आप को, यू स्पेंड सम टाइम इन नेचुरल सेटिंग्स, यू गेट योर सेल्फ एक्सपोज नेचुरली, नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे पार्क्स हैं, फॉरेस्ट हैं, बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जाइए। इकोथेरेपी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए जो आपको नेचर से कनेक्ट करता है, जैसे गार्डनिंग है, हाइकिंग है, नेचर वॉक है, ऐसा कुछ करिए। फिर कुछ न्यूट्रिशनल ट्रिगर्स हैं, ये भी आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने में ये रोल प्ले करते हैं। तो पहला तो ये अनहेल्दी डाइट, नामली आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में रिफाइंड शुगर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, अनहेल्दी फैट्स,
प्रोसेस्ड फूड, आजकल की जो फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, उसमें देर इज़ ए प्लेंटी ऑफ रिफाइंड शुगर, अनहेल्दी फैट्स उसके अंदर है, प्रोसेसिंग में अंदर बहुत सारी उसमें प्रोसेसिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, प्रेजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, जो आपको इट विल लीड टू वेट गेन एंड इट विल लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और न्यूट्रिशन आपको प्रॉपरली नहीं मिलता इनमें, तो पुअर न्यूट्रिशन कैन इफेक्ट मेंटल हेल्थ, तो इसमें स्ट्रेस ऑफ द रिस्क ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन विल इंक्रीज, और विच आर अल्टीमेटली लिंक्ड टू डायबिटीज। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं भाई, आप यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन होल ग्रेन्स, आप मल्टी ग्रेन्स ले सकते हो और फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स आप यूज़ कर सकते हो, हेल्दी फैट्स, और यू लिमिट दी कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ये इनटेक ऑफ शुगरी ड्रिंक्स जो है उसको कम कर दीजिए, स्नैक्स कम कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड्स कम कर दीजिए, और कोशिश करिए कि जो पोर्शन है पोर्शन कंट्रोल करिए, जो आपका फूड का पोर्शन है उसको कम करिए। आपको माइंडफुल ईटिंग करना पड़ेगा, यानी कि आप सोच समझ कर खाना पड़ेगा, कितना खाना आपको खाना है वो डिपेंड करता है कि थोड़ी सी जगह अपने पेट में जरूर रखिए, एंड ट्राई टू कंट्रोल एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक रीज़न है, जैसे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जैसे मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, क्रोमियम है, ये अगर आपकी डाइट में नहीं है तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर है, न्यूट्रिशनल फूड है आपका, तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ा सकता है और इसमें डायबिटीज़ आपका रिस्क भी हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट आप ले सकते हो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लीजिए, फोकस ऑन कंज्यूमिंग फूड्स विच आर हाई इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड्स, फिश। रेगुलर चेकअप करवाइए अपना, और ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट लेवल्स है और ओवरऑल हेल्थ आपकी प्रॉपरली मेंटेन रहे, और अगर कुछ कमी पेशी है तो वो उसको पूरा किया जा सके। अब हम जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो पहली अप्रोच है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड केयर, वी कंबाइन मेडिकल ट्रीटमेंट विद मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। फिर पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान डेवलप करते हैं, जो आपकी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग आपके देखते हैं, जो कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स और सर्कमस्टांस को देखते हुए वो प्लान डेवलप किया जाता है। दूसरा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ऑन डायबिटीज़, ये सब को पता होनी चाहिए। कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें एजुकेशन और सपोर्ट टू डायबिटीज़ प्रिवेंशन बताई जाती है। और तीसरी है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, आप अपने ब्लड शुगर लेवल का रेगुलरली मॉनिटर करिए, ओवरऑल जो हेल्थ इंडिकेटर्स उनको डिटेक्ट करिए, ताकि अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सके। सेल्फ मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो, यू कैन कीप ए ट्रैक ऑफ योर डाइट, ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, ऑन योर इमोशनल स्टेट्स, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके, एड्रेस करें जो पोटेंशियल ट्रिगर्स हैं इस डायबिटीज़ के। और कुछ डेली टिप्स हैं, जो प्रैक्टिस टिप्स फॉर डेली लाइफ, जैसे डेली रूटीन है, आप एक कंसिस्टेंट शेड्यूल मेंटेन करें, जैसे कंसिस्टेंट डेली रूटीन फॉर मील्स, एक्सरसाइज, स्लीप, इन सब का एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका टाइम टू टाइम आपको चीज़ें करनी चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए, बैलेंस, आपको यू हैव टू बैलेंस द वर्क, रिलैक्सेशन टाइम और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के बीच में एक आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि स्ट्रेस और आपका रिड्यूस हो सके और ओवरऑल वेलबींग आपकी इम्प्रूव हो सके। दूसरा जो है इसमें हेल्दी रिलेशनशिप आपको रखना पड़ेगा, आपका जो सपोर्टिंग नेटवर्क्स है उसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, यू बिल्ड एंड मेंटेन सपोर्टिव रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा ताकि यू कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस इन द रिलेशनशिप। तीसरा है माइंडफुल लिविंग। आपको माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेंगी डेली लाइफ में, जैसे कुछ मेडिटेशन है, योगा है, ये सब चीज़ें रखना पड़ेंगी आपको टू स्टे प्रेजेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ग्रेटिट्यूड, आपको एक ग्रेटिट्यूड की एक नोटबुक रखना पड़ेगी, एक जर्नल रखना पड़ेगा ताकि आप पास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उनको आप उस पर लिख सको, उसको एनोटेट कर सको और इमोशनल वेलबींग को आप इम्प्रूव कर सको। मैं इसको ये कहते हुए कंक्लूड करता हूँ कि प्रिवेंटिंग डायबिटीज रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट addresses mental, emotional, spiritual and nutritional factors. If you understand and manage various triggers and priming mechanism, individuals can take proactive steps to safeguard their health, implementing stress management techniques, maintaining a balanced diet, nurturing spiritual well-being and seeking support when needed are crucial strategies in this holistic approach. Regular monitoring and personalized health plan further enhance the effectiveness of these preventive measures, ultimately contributing to a healthier and diabetes-free life. Dosto, I am a wellness coach and I can design a customized plan for you for preventing diabetes and having a holistic approach to mental, emotional, spiritual and nutritional factors. आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय, यू कैन लीव अ मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स, इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई कैन प्रोवाइड अ हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। थैंक यू।